खबर राजस्थान के नागौर जिले से आ रही है, जहां नागौर जिले के जायल ख्याले का मायरा गीतों में गाया जाता है और ये क्षेत्र मायरों के लिए पुराने समय से पहचान बनाए हुए है। मायरा अपने भाई की ओर से बहन के लिए भरा जाता है। वहीं इस पहचान को जिंदा रखने क्षेत्र के लोग लगातार बड़े बड़े भात यानी मायरा भर रहे हैं। ऐसा ही मायरा गुरुवार को सोनेली सिम में भरा गया। राजोद निवासी गोदारा परिवार के सतीश व मुकेश गोदारा पुत्र हरजीराम ने अपनी बहन संतोष पोटलिया निवासी सोनेली के बेटे आकाश की शादी से पहले मायरा भरा। इस मौके पर 71 लाख रुपए नगद व 35 तोला सोना व 5 किलो चांदी के गहने दिए गए। वहीं बहन को डॉलर से जड़ी चुनरी ओढ़ाई गई। वहीं गांव में रस्म के अनुसार अन्य महिलाओं को भी दिए गए वस्त्र डॉलर से जड़े हुए थे, जिससे गांव सहित क्षेत्र में चर्चा का विषय बना गया है। आपको बताते चले कि राजस्थान के नागौर जिले के जायल ख्याला का मायरा गीतों में गाया जाता है और बताया जाता है कि जायल ख्याला चौधरी ने बहुत ही अच्छे पहले अपनी बहन के लिए भात भरी थी और वही भात आज गीतों में गाया जाता है। लेकिन उसी भात को जिंदा रखने के लिए राजोद के गोदारा परिवार ने ऐसा ही कारनामा कर दिखाया है। आपको बताते चले कि पिता की मौत के बाद बहन ने दो भाइयों को संभाला था और अब उसी का 1 करोड़ का मायरा भरा गया है। ये मायरा अपने भाइयों की ओर से बहन को दी गई रकम होती है, जिसमें बहन के लड़के या लड़की की शादी होती है तो भाई अपने पूरे परिवार व गांव को साथ लेकर अपने बहन के घर पहुंचता है, जहां वह रकम की राशि या गहना दिया जाता है और उसी को राजस्थान में मायरे की रस्म कही जाती है। मायरा या भात दोनों एक ही है। मायरा बोले या भात अपने बहन के लिए भरा जाता है। नागौर के जाहिल ख्याला का क्षेत्र पुराने समय से प्रचलित है कि बताया जाता है कि जाहिल ख्याले का चौधरी मायरों के लिए जाना जाता है और उसी को चरितार्थ जिंदा रखते हुए नागौर जिले के जाहिल ख्याला का मायरा गीतों में गाया जाता है और ये क्षेत्र मायरों के लिए पुराने समय से पहचान बनाए हुए हैं। वहीं इस पहचान को जिंदा रखने के लिए क्षेत्र के लोग लगातार बड़े बड़े मायरे भर रहे हैं। ऐसा ही मायरा गुरुवार को सोनेली में भरा गया। राजोद निवासी गोदारा परिवार के सतीश व मुकेश गोदारा पुत्र हरजीराम ने अपनी बहन संतोष पोटलिया निवासी सोनेली के बेटे आकाश की शादी से पहले मायरा भरा है। इस मौके पर 71 लाख रुपए नगद व 35 तोला सोना व 5 किलो चांदी के गहने दिए गए। वहीं बहन को डॉलर से जड़ी चुनरी ओढ़ाई गई। वहीं गांव में रस्म के अनुसार अन्य महिलाओं को भी दिए गए वस्त्र में डॉलर जड़े हुए थे, जिससे गांव सहित क्षेत्र में चर्चा का विषय